दोस्तों श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में 2 जून सुबह 10:30 बजे ओडीआई का पहला मैच खेला जा रहा है हम्बनटोटा स्टेडियम में। ठीक है, तो आज इसी मैच के बारे में इस वीडियो में यहां पर हम बात करने वाले हैं कि इस वीडियो में किस किस प्लेयर को जो है लेना है, कौन कौन प्लेयर इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बॉलिंग सेक्शन से ऑलराउंडर से सभी कुछ यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि बॉलिंग सेक्शन में जैसे पथिराना है और जो राशिद खान है, जाना माना जो आईपीएल खेलने आया था, यही सब बॉलर को आप जानते होंगे। बाकी किसको लेना है किसको नहीं सभी कुछ आपको डिटेल में यहां से हम बताएंगे। तो वीडियो में आप जरा सभी वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, वीडियो में हमारे साथ पूरा बने रहना। टोटल स्टेट्स आपको हम इसमें यहां पर देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए यहां पर सब कुछ जानेंगे। उससे पहले थोड़ा गाइड पे देख लेते हैं कि एवरेज रन वगैरह ग्राउंड का क्या है, क्योंकि यह पहला ओडीआई मैच है, क्या रिकॉर्ड रहा है सभी कुछ यहाँ थोड़ा पहले यह जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट टीम बनाएंगे। तो आप सभी रेडी होंगे इस मैच को खेलने के लिए, हमको पता है क्योंकि आईपीएल चला गया, तो अब इसी में जो है हम लोग को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका का लॉस 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 फिर लॉस फिर लॉस, मतलब 5 मैच लॉस है श्रीलंका का ओडीआई रिकॉर्ड में अगर आप देखते हैं तो। ठीक है, और अब की ना अफगानिस्तान का लॉस है, फिर विन विन विन, 3 मैच या जीत में है, 1 मैच हार में है। और वही वेन्यू की बात करें, जैसा हमने बोला था हम्बनटोटा स्टेडियम में यह मैच खेला जा रहा है श्रीलंका में। और पिच की बात करें तो बैटिंग पिच होने वाला है। ठीक है, बैटिंग पिच होने वाला है और पेसर्स को यहाँ काफी गुड फॉर पेसर्स को यहाँ पर काफी मदद मिलती है बॉलिंग कराने में। और वेदर की बात करें तो वेदर जो है ओवरकास्ट रहेगा। और देखिए एवरेज रन की बात करें तो 226 रन इस ग्राउंड पे बने हैं, तो हो सकता है कल 250 या 260 के आसपास भी या फिर 300 भी रन बन सकता है। यह एवरेज रन है 226 रन इस ग्राउंड का। ठीक है, और टोटल विकेट यहाँ देखिए 73 विकेट लिए गए हैं दोनों बॉलर, स्पिनर हो चाहे पेसर्स हो, जिसमें से पेसर्स ने 39 विकेट लिए हैं और स्पिनर ने यहाँ पर 34 विकेट लिए हैं। ओडीआई है, जो बॉलर होता है ओडीआई में उतना जो है अपना ओवर कराता है, तो कहीं ना कहीं उसको विकेट मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए आज हम 4 अपने टीम में अच्छे अच्छे बॉलर को ले लेंगे, क्योंकि T20 में वो लोग को सिर्फ 4 ओवर में मिलता है, लेकिन जो 50 ओवर का गेम होता है उसमें ज्यादा वो लोग को ओवर मिलता है, तो विकेट ज्यादा मिलने का चांस रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हेड टू हेड के नीचे बात करेंगे तो टोटल 5 मैच दोनों टीमों के बीच में खेला गया है, जिसमें श्रीलंका का जो है 2 मैच विन है और अफगानिस्तान का भी 2 मैच विन है और 1 मैच नो रिजल्ट रहा है, कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ है। मतलब बारिश वगैरह आ गई होगी तो हो सके वहां पर मैच ना हुआ हो। तो अब देखिए यहाँ पर कुशाल मेंडिस आपको देखने को मिल जाएंगे विकेट कीपर सेक्शन में, राइट हैंड बैट्समैन है, या भी खेलने आए थे, इनको आप लोग शायद नाम सुने होंगे। और गुरबाज का तो नाम सभी ने सुना होगा, गुरबाज को आप लोगों ने देखा होगा आईपीएल में खेलने आया था, या भी राइट हैंड जो है बैट्समैन है विकेट कीपर से और अपने टीम से ओपनिंग खेलने आ जाता है। ठीक है, ओपनिंग करने आता है। और एस शिवम करम जो भी है और एक खिल, मतलब नीचे 2 और प्लेयर है लेकिन इसका नाम लंबा है, ये खेलने नहीं वाला है, तो 2 ही प्लेयर हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो हम दोनों को यहाँ पर लेके जा रहे हैं। ठीक है, सीधा सीधा किस किस को लेना है सभी कुछ आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। अब बैटिंग सेक्शन में देखेंगे तो ए मैथ्यूस मिलेंगे, राइट हैंड बैट्समैन है, पी निशंका मिलेंगे, राइट हैंड बैट्समैन है, इनको अपने टीम में लेना है कि नहीं अभी हम बताते हैं। और डी करुणाथे है और डी सनाका है, यह खेलने आया था, इसको आप लोग जानते होंगे। आर शाह है, एच साइदी है, सी एसलंका, नजीबुल जर्दन और ए जर्दन और आर हसन, ऐसा ऐसा नाम है दोस्तों कि आप पढ़ भी नहीं पाओगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हाँ प्लेयर के बारे में आप थोड़ा बहुत सा जानते होंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, देखिए मैथ्यूस राइट हैंड बैट्समैन है और यहाँ पर डी सनाका है, डी सनाका भी जो है राइट हैंड बैट्समैन है, लेकिन यहाँ पर जी ये करुणाटे है या लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। ठीक है, आप चाहे तो इसको टीम में ले सकते हैं, बिल्कुल हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं क्योंकि कम सिलेक्शन परसेंटेज है और इसको हम अपने टीम में रख रहे हैं। और नजीबुल जो नीचे है नजीबुल्ला, इसको हम अपने टीम में रख रहे हैं। तो 4 हमारा दोस्तों बैट्समैन है, अगर आप इसको नहीं लेना चाहते सनाका को तो यहाँ पर निशंका को लेके जाना ज्यादा सही रहेगा, तो हम भी इसी के साथ चलते हैं निशंका के साथ यहाँ पर। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे, तो ऑलराउंडर सेक्शन पे आपको एम नवी मिल जाएगा, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग है इनका। और डब्लू हसरंगा मिल जाएगा, हसरंगा भी खेलने आया था तो इसका आपने नाम सुना होगा। और के करुणट, सी करुणट नहीं मिल जाएगा, और डी डे सिल्वा और जी नसीब, ओ मर्जिया, के कमाल और डी हिमंता, इतना सारा नीचे ऑलराउंडर में आपको प्लेयर मिल जाएगा जिसमें से ये लोग सब्स्टिट्यूट के होने वाले हैं तो खेलेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो प्लेयर हम ले रहे हैं ऑलराउंडर से एम नवी को और यहाँ पर डी डे सिल्वा आपको दिख रहा है, 2 प्लेयर को हम यहाँ पर लेके जा रहे हैं। अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, बॉलिंग सेक्शन पे कौन कौन प्लेयर इंपॉर्टेंट होने वाला है,
क्योंकि बैटिंग सेक्शन पे हमने जो है कम सिलेक्शन वाले प्लेयर को ले लिया, वहां हमने रिक्स ले लिया, ठीक है। अब मेन बॉलर लेने का, तो राशिद खान अगर खेलता तो इसको हर कोई 100% अपने टीम में रखता, लेकिन यह बंदा खेल नहीं रहा, अनवेलेबल यहाँ पर दिखा रहा है या नहीं खेलेगा शायद। और एल कमरा है, और मुजीबुर रहमान, के कार्तिकिया, फैजल फारूकी और डी कैमरा, एफ मलिक, नूर अहमद, नूर अहमद को आपने देखा होगा या जो है चाइना मैन है, लेग ब्रेक गुगली बॉल डालता है, महेश चिक्सना है और एम पथिराना है चेन्नई के सुपर किंग की तरफ से, या जो है आईपीएल में खेला था, यॉर्कर डालता है, काफी अच्छा विकेट भी निकालता है। और वाई अहमद जे नीचे इतना सारा प्लेयर है, ये सब खेलेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए राशिद खान तो नहीं है, और एल कुमार की बात करें तो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं। नजीबुर रहमान की बात करें तो मुजीबुर रहमान भी राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं। के रज की बात करें तो इनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं देखा जाता है ओडीआई में, आप इनको टीम में आज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और फजल फारूकी को आप चाहे तो ले सकते हैं, इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। और डी कैमरिन है, एफ मलिक, नूर अहमद को जैसा हमने बता दिया, थिक्सना का भी, पथिराना का भी। तो यहाँ पर हमारा तीनों आईपीएल में जो जाना माना प्लेयर खेलने आया था बॉलर, उसी को हम लेके जा रहे हैं। नूर अहमद को हम ले लिए, और पथिराना, और हमारा यहाँ पर एक राशिद खान तो खेल नहीं रहा है, मुजीबुर रहमान को हम दोस्तों लेके जा रहे हैं। तीन प्लेयर हमारा यहाँ है, आप चाहे तो एक बैटिंग सेक्शन से कम करके या विकेट कीपर सेक्शन से कम करके एक बॉलिंग सेक्शन से और प्लेयर को जोड़ सकते हो। जो प्लेयर होने वाला है आपका यहाँ पर फजल फारूकी को आप यहाँ पर देखिए ले सकते हो, अगर आपको नहीं लेना है तो। फिलहाल हम तीन ही बॉलर के साथ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना किसको बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों फाइनल टीम यहाँ पर यही, अभी जो हम टीम में वीडियो में बनाए हैं या डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे ही हम देते हैं, तो तैयार रहना। टेलीग्राम को आप जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको फ्री हम जीएल की बनी बनाई टीम देते हैं, कोई भी आपसे पैसा रुपया का बात नहीं करते, फ्री टीम है, आओ और खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पसंद आए तो खेलो, नहीं पसंद आए एक दो प्लेयर चेंज कर लो, और साथ में चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, ताकि ड्रीम इलेवन का हर कुछ टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो, कैसे उसको जीत सकते हैं और टीम प्रिडिक्शन सभी कुछ देते हैं आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पर एक उसे लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में अपना नेम जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से मतलब हमारा वीडियो को देख रहे हैं और आज कौन सी टीम जीतने वाली है, ठीक है, इतना हमारा काम जरूर करिएगा। तो कैप्टन वाइस कैप्टन का अगर आप चॉइस में देखेंगे तो गुरुबच का 10% है, और हाईएस्ट में यहाँ पर किसी का नहीं है, तो हमारा वाइस कैप्टन जो है गुरुबच रहेगा, ठीक है दोस्तों। गुरुबच को हम वाइस कैप्टन लेके जा रहे हैं, या बैटिंग से भी अच्छा करता है और विकेट जो कीपर है तो काफी अच्छा कैच वगैरह पकड़ लेता है, स्टंपिंग कर लेता है, तो वहां से भी पॉइंट दे देता है। और जो हमारा कैप्टन का चॉइस होने वाला है एम नबी है दोस्तों, यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में देख रहे हैं, ऑलराउंडर सेक्शन में हम इसलिए बना रहे हैं ताकि यह बॉलिंग से भी हमको पॉइंट दे और बैटिंग से भी दे। ओडीआई मैच है, 50 ओवर है, कितना खेलेगा कोई भी, ठीक है। तो इसको अपना कोटे का पूरा ओवर भी मिल सकता है और बैटिंग भी मिल जाएगा, तो हम इसी को लेकर अपने यहाँ पर टीम में जा रहे हैं। दो या तीन नंबर पे या खेलने भी आ जाएगा, तीन या चार नंबर पे, सॉरी इसका बैटिंग ऑर्डर है, खेलने भी आ जाएगा। तो यह हमारा देखिए टीम का प्रीव्यू देख लिए, विकेट कीपर सेक्शन में कुशाल मेंडिस, आर गुरबाज, और बैटिंग में ए मेथुएस, पी निशंका और डी करुणते, नजीबुर रहमान है, एम नबी, डी सिल्वा ऑलराउंडर से, और बॉलिंग से मुजीबुर रहमान, नूर अहमद और पथिराना, यही प्लेयर है दोस्तों फाइनल हमारा, यही टीम अभी का। अगर इसमें कुछ भी एक चेंजेस होते हैं तो वह हम टीम आपको कहां देंगे, हमने आपको बता दिया, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। तो दोस्तों फिलहाल यही था अभी के लिए आप सभी का वीडियो, तो मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।